आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, जितिया जिस दिन किए थे हम लोग फास्टिंग, उस दिन का और पारण किस तरह करना चाहिए वो दिखाती हूँ। सबसे पहले दूसरा दिन जिस दिन फास्टिंग था उस दिन भी दिया जाता है जितवान जी को ये झिंगली का पत्ता पर, ये क्या बोलते हैं, उस दिन घी और तुलसी दिया जाता है। देख लीजिए, घी तुलसी है वो पत्ता में पानी डाल दी, उसमें गंगा जल डालना है। जैसे मन है चंगा तो कथौती में गंगा, वही मन चंगा था कथौत में गंगा जी था, इसीलिए क्या बोलते हैं कथौत में ही पानी डाल दिए और उसी में क्या बोलते हैं जैसे पूजा करते हैं उसी तरह, जैसे हम लोग होता है, आप लोग अलग होता होगा लेकिन मुझे जिस तरह होता है उसी तरह पूजा करते हैं। जिस दिन फास्टिंग था उस दिन का ये वीडियो है। देखिए, उसी तरह हम लोग पूजा करते हैं, उसमें पूजा कर लेंगे, इसको फिर कहीं अच्छा रहेगा इसको रखते आएंगे। और देखिए, जिस दिन पारण करना होता है उस दिन क्या खाना चाहिए वो भी हम बनाए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये लहाकने के बाद जो होता है वो पूजा है। और दूसरा देखिए, फल है, ये फल है, हम लोग दाली खाने के बाद पूरा देखिए फल देखिए देखा दिए। ये देखिए, वो थोड़ा छोटा सा दाली होता है, बड़ा सा मिलेगा छोटा सा, देख लीजिए। यहाँ पूजा करेंगे, यहाँ गौरी गणेश जो भी भगवान जो भी आपके पास है वो रख सकते हैं। जितवाहन जी का कुश का मतलब बना सकते हैं, जितिया उसे कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर चावल डालते हैं, यहाँ पर हम ये दाली रखेंगे भरने के लिए। और बाकी आप देख लीजिए जैसे जैसे पूजा करते हैं, आप लोग भी अलग करते होंगे, जिस तरह हम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए क्लिप, हम उतना नहीं समझा पाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। अलग अलग होता है, जैसे पांच छह औरत होती है तो कुश को बना के उसको एक साथ बन के बैठ के पूजा किया जाता है, लेकिन हम अकेले थे तो इसीलिए हम नहीं बना पाए, इसीलिए घर में पूजा किए। तो इसीलिए हमको जिस तरह हम लोग को पूजा मतलब सिखाया गया था, मेरी सास मेरी मार करती थी, उसी तरह हम लोग पूजा किए। जितिया का धागा होता है, दरदुर होता है, जो सिंदूर होता है, ओकरी होता है, ये पांच फल होता है और खाजा होता है। तो हम लोग को इधर खाजा तो नहीं मिलता, जो बोला खाजा मिलता तो वो बोला खाजा हम चढ़ाए। देखते हैं जिस तरह हम लोग पूजा करते वो हम दिखा रहे हैं, उसी तरह अब सेम है। पुदियों को सिर्फ तो ज़्यादा हम तेज़ कर दिए लेकिन कतने किए हैं, जैसे सेम चढ़ाए हैं उसी तरह लोग देख लीजिए, उस तरह आप लोग भी कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ये शाम के समय है, शाम के समय होता है ये पूजा। और फिर दूसरा दिन सुबह जिस दिन हम लोग पारण करेंगे उस दिन में सुबह में जब तक अष्टमी रहता उसके बाद नवमी में घुसते हैं, तो नवमी में उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तब इसको फिर चढ़ा के दोबारा उसके बाद ही प्रसाद वरसाद खाया जाता है। जब जिस दिन पारण करेंगे उस दिन इसको खाया जाता है और अष्टमी भरी इसको नहीं किया जाता है। शाम को पूजा करेंगे फिर सुबह में पूजा करते हैं, उसके बाद जब अष्टमी खत्म होगा तब इसको खाया जाता है। देख इसी तरह हम लोग पूजा होते हैं, हम लोग को आप लोग किस तरह होता है जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देख लीजिए, इसको कुछ नहीं समझा देंगे और जितना भी है सो आप देख लीजिए, पाँच को जिस सीजन फल है वो आप डाल सकते हैं फल उल सब। इसी तरह हम लोग पूजा करते हैं, आप लोग किस तरह करते हैं तो सबका अलग होता है, अलग तरीका होता है करने का। हम लोग का था तो देख फिर इसमें गंगा जल डाल रहे हैं, फिर थोड़ा सा अरवा चावल डाल के सबको डाल के उसको वहाँ शुद्ध कर दिए, उस पर वहाँ पर रख देना है, बाकी दिया हुआ सब जला देना है। जैसे विधि हम दिखाई दे रहे उसी तरह सेम इसको इसी तरह हम लोग करते हैं। अगर नहीं जिसको जानकारी नहीं है वो कर सकते हैं, ये जितवाहन मतलब किताब है तो इसको भी पूजा करना होता है, किताब को भी पूजा वूजा करना होता है, इसी फूल चलो उनसे सबसे गंगा जल से पूजा करना होता तो वो सब उसको भी कर रहे हैं, देख लीजिए। और उसके बाद दिया हुआ सब जलाना होता है, इसी तरह सेम होता है। आप लोग किस तरह करने मुझे बता दें, इसीलिए सोचे पूजा करके लिए डाल देती हूँ। जितना शाम को पूजा होता है सुबह सिर्फ इसको पूजा करना है, आरती करना है और इसको क्या बोला इसको प्रसाद जितना है उसको आप वितरण कर सकते हैं सुबह में। जब आप लोग पारण करिएगा उससे पहले लहा के पूजा करके ख़त्म करना होता है। शाम में क्या बोलते हैं नहीं आप लोग किस तरह होते हैं मुझे नहीं पता, ये 24 घंटा का भी चलता है, 36 घंटा का भी चलता है। जीवित पितृ का व्रत इसको जितिया ही बोलते हैं, ये संतान के लिए किया जाता है, इसीलिए हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। आप लोग किस तरह करते हैं मुझे नहीं पता, करते हैं सबका सब तरह होता है लेकिन हम लोग जिस तरह होते दिखा दिए। अब देख लीजिए, ये जैसे कलश उलश भी रखा जाता है, दिया हुआ रखा जाता है, जिस तरह होता है उस तरह हम लोग कर रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर देख के क्या बोलते हैं आप लोग भी करिएगा। देख लीजिए आप, देखिए आप किताब, ये किताब है, आप किताब को पढ़ना है तो देखिए जितना इसका कथा लिखा हुआ, जितनी जीवित पुत्र का कथा लिखा हुआ तो वो हमको पूरा पढ़ना होता है, पढ़ेंगे उसके बाद आरती करेंगे और सब आरती करके पूजा करके जो भी पढ़ना मुन्ना जो भी है वो करना है करके उसके बाद उसको हमें रख देंगे। देख लीजिए इसको पूरा पढ़ रहे हैं,
गाँव घर में होता है, मतलब एक साथ 5-6 औरत लेडी सब बैठ के अपना कुछ का बनाती है, उसके बाद वहाँ पूजा वूजा करती है, सब करती है। यह मतलब यह शहर बाजार में उतना नहीं हो पाता है, तो इसीलिए अकेले करना पड़ रहा है, इसीलिए अकेले हम कर रहे हैं। देख लीजिए सब, वही किताब हम बारीक से पढ़ रहे हैं। आप लोग किस तरह होता है ज़रूर बताइएगा आप लोग भी। इसी तरह पूरा किताब ख़त्म कर देंगे पढ़ के। जो भी है वो आरती वगैरह वो भी करेंगे, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। लंबा होता है इसका, मतलब किस कहानी में किताब में दो तरह रहता है कहानी, वो सब पढ़ना पड़ता है, आरती करना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटा पूजा करने में लग जाता है। देखिए अब आरती करना है, अब आरती करेंगे। थोड़ा वीडियो में स्पीड कर दिए हैं, तो मतलब 2-3 1 घंटा का वीडियो बन जाता है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा स्पीड कर दिए हैं, कतने किए हैं स्पीड कर दिए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा देख रहे हैं, जल्दी दिखा रहे हैं, आप लोग भी देख के अपना कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरह कर दिए हैं। और चलिए आप पारण के, मतलब पारण करें उसकी तैयारी करते हैं। पारण में देखिए हम लोग को दाल चावल है, ये दाल है चावल है, तो मतलब खिचड़ी बनाएंगे और दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे। और देख लीजिए ये छोंक में, सिर्फ छोंक में सिर्फ वही 3 चीज़ देना है। देखिए ये चावल, मतलब चावल दाल है, इसमें इसको खिचड़ी बनाने के लिए डालते हैं कुकर में हम। ये सुबह का क्लिप है, जैसे पारण का दिन का है। देख लीजिए ये खिचड़ी, मतलब ये खिचड़ी बनाएंगे, कुछ नहीं देना, सिंपल सा खिचड़ी बनाना है। इसीलिए सिंपल खाना चाहिए, कि क्यों खाना चाहिए, क्योंकि वो देखिए दाल बना दिए हैं, दाल को हम छोंक लगा दिए हैं, वो सिंपल दाल बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे दाल बना दे रही है डेली का वही दाल बनाना है। क्योंकि 36 घंटा या 24 घंटा का उपवास रहता है, और तेल मसाला वाला चीज़ खाने से पूरा पेट में गैस बन जाता है, पेट दर्द होने लगता है, उनती हो जाता है, इसीलिए नॉर्मल खाना खाना चाहिए। आप दाल चावल खा सकते हैं, दही चावल खा सकते हैं, या खिचड़ी खा सकते हैं, उसके बाद अच्छा रहेगा, नारियल पानी पी सकता, अच्छा लगे। सब्सक्राइब कर लीजिए।